सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले। आई थिंक 10 o'clock को मैं उठा था, तो मैं तो लैपटॉप खुला था मेरे पास, तो मैं एक वेब सीरीज़ देखना चालू कर दिया। उसका नाम था IB71, जो कि विद्युत जामवाल की है। 2 घंटे की सीरीज़ है, अच्छी थी, मज़ा आया देखने को। तो सो के उठा, वही देखना चालू किया, तो अभी 1 बज गया है, तो चालू किया तो पूरा टाइम वहीं चला गया। तो अभी जाता हूँ, फ्रेश व्रेश होता हूँ। उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये अपना जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो। सो गाइस, ये अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप है जो कि टूट चुका है। मतलब अपना जो हेलमेट था वो गिर गया था, तो उस पर स्क्रैच आ गया था, आई थिंक। सो आपको दिख रहा होगा, हाँ ये रहा। सो ये है ना, इस पर स्क्रैच आ गया, और शायद आई थिंक सो इस साइड पे भी दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, छोटे मोटे स्क्रैचेस है। और ये जो माउंट है जहाँ पे जिस पे फ़ोन लगता है, ये माउंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं। तो मतलब जब भी फ़ोन इस पे लगता है ना, तो फ़ोन का जब वज़न आता है ना, गड्ढे वड्ढे जर्किंग्स आते, तो ये थोड़ा ऐसे से शेक होता है, हिलता है। और एक और चीज़ इसमें ख़राब हो चुकी है, जो कि है अपना माइक। ये जो माइक है ना, ये ख़राब हो गया आई थिंक। सो काम नहीं कर रहा, और इसके ऊपर का जो वो रबड़ आता है, जो पाउच होता है जो नॉइज़ को रोकता है, वो भी घूम गया है कहीं। तो कुल मिला के जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी ये तो नया देखना पड़ेगा माउंट, और माइक भी नया ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माइक है ना, ये देखो वायर जो है ना, हमने पूरा अंदर से सेट किया था इसका, पूरा ये कवर अवर खोल के। तो अभी तो नया ही लेना पड़ेगा आई थिंक। सो ये माइक आई थिंक सो मुझे पड़ा था 1000 रुपीज़ का, ये माइक था, जो कि मैंने 2-3 वीडियोज़ ही बनाई है, उससे ज़्यादा बनाई नहीं, और ये ख़राब हो गया। मैं शायद मैं उस दिन पानी में जा रहा था ना, ड्राइव कर रहा था, तो ये माइक ऐसे बाहर ही लटका हुआ था, मुझे पता भी नहीं चला, तो बारिश में ये माइक भीग गया। और ये तो अपना पता नहीं, इसकी जो ये रबड़ है ना, इलास्टिक, ये कपड़ा जो है वो पूरा स्ट्रेच होके ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया। तो ये मुझे पड़ा था आई थिंक सो 350 के आसपास पड़ा था, अमेजोन से मंगाया था, मुझे याद नहीं, बहुत दिन पहले मंगाया था। तो अभी जो ये सेटअप का जो हालत है ना, वो तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। सो वैसे तो अपना कोई प्लान नहीं है अभी मोटो व्लॉगिंग करने का, ये सब कहीं दूर जाने का भी प्लान नहीं है। बाइक पे कोई ट्रिप प्लान नहीं किया है कि कहीं दूर जाना है। अगर कहीं जाना होगा तो ले लेंगे दूसरा मोटो व्लॉगिंग का सेटअप, तब तक के लिए इसका हालत तो बहुत ख़राब है। ये माउंट तो दूसरा ही लेना पड़ेगा, ये भी गया, अपना माइक भी गया। तो कुल मिला के अपना जो मोटो व्लॉगिंग वाला हालत है, वो तो टोटल लॉस में है। तो देखते हैं, शायद मैं प्लान कर रहा हूँ इसका जो ये वाइज़र है ना, ये भी चेंज कराने का, क्योंकि जो स्क्रैचेस है ना, जब ड्राइव करो तो वो स्क्रैचेस दिखते हैं ऐसे, तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता ड्राइव करने में। जो क्लियरिटी होती है ना, वो फिर मज़ा नहीं आता बाइक चलाने में, हाँ साइड से स्क्रैचेस दिखते रहते हैं। तो अभी तो प्लान है इसको चेंज करने का, देखते हैं आगे कब मोटो ब्लॉगिंग वीडियोज़ बनाते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ फटाफट से फ्रेश होके, आपको मैं मिलता हूँ। 5 hours later सो गाइज, अभी जो है मैं नहा के एकदम फ्रेश रेडी हो चुका हूँ, तो अभी निकलते हैं अपना जो भी काम है पटा लेते हैं। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जो कि अपने बाइक में मेजर मेजर डैमेज हो चुका है, आपको दिखाता हूँ वो है। सो गाइज, ये हो चुका है अपनी बाइक का, ये जो कनेक्टेड था ना यहाँ से, ये हो चुका है ख़राब। गैरेज वाले को दिखा तो उसने बोला वेल्डिंग वाले को दिखा दो, आपको दूसरे साइड से दिखाता हूँ ये कैसा है। सो ये जो दूसरे साइड से है, ये वाला है कनेक्टेड, ये जो रॉड है ना, ये हो चुकी अपनी रश लग के कट गई है, तो गैराज वाले को दिखाया था, उसने बोला वेल्डिंग वाले को दिखाओ। सो अगर ये जो रॉड है ना, ये कनेक्टेड नहीं है, तो जब भी बाइक गिरेगी ना, तो ये पूरा इस तरीके से बैंड हो जाएगा, तो इससे अपना ये डैमेज हो जाएगा। सो इसका देखते हैं कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या निकलता है, क्योंकि ये हिल रहा है ऐसा, तो जब भी। सो भाई, अपना काम हो चुका है पूरा कंप्लीट। तो अभी जो मैंने बाइक का दिखाया था कि बाइक में जो लेग गार्ड टूट गया था, ये लेग गार्ड का जो कनेक्शन था, तो वो हम वेल्डिंग वाले के पास गए, तो वो बोल रहा है गैराज वाले को दिखाओ, वही करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इंजन की वायर गई हुई है। सो वापस से मैं गैराज वाले के पास गया, उसने बोला कि कर दूंगा मैं कुछ सेटिंग से, तो जब अपनी बाइक सर्विस में देंगे तब उसने बोला है कि वो करके दे देगा। बाकी तो अभी आज के व्लॉग में बस इतना ही, आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। और ये
ये अपना अमन भाई है, दिखाना भूल गया मैं, सॉरी गाइस। ये अमन भाई है, जा रहे हैं राजकोट वापस से इंजीनियरिंग करने। 2 साल बाद आएंगे इंजीनियर बन के, तब इनसे किस चीज़ का इंजीनियर है वैसे मैंने तो पूछा ही नहीं। अमन भाई तू किस चीज़ का इंजीनियर है भाई? भाई इसी डिपार्टमेंट में है अमन भाई अपने, ये देख लो इनका चेहरा, याद रखना इनको। तो बस गाइस आज के व्लॉग में इतना रहो, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय सी यू, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।